SC ST समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले में आरक्षित वर्ग पर हो रहे अत्याचार और मारपीट की निंदा की। भाजपा सरकार को इस प्रताड़ना के लिए ठहराया जिम्मेदार और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस SC ST वर्ग के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित ज्ञापन देते हुए जिले भर्ग में SC ST वर्ग के सदस्यों के साथ हो रही मारपीट और दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार इस वर्ग की उपेक्षा, उन्हें प्रताड़ित करने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम जगन्नाथ, कहाँ से आया हूँ? मैं विदिशा जिले SC डिपार्टमेंट जिला अध्यक्ष हूँ। आज के संदर्भ में ज्ञापन दे, देखिए आज भाजपा सरकार जिस दिन से बनी है पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसी तरह एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को सौंपा जाएगा। हमारे यहाँ गजार में अहरवार समाज के एक कई वर्षों से पीड़ित कर रहे लोग, रघुवंशी समाज के दबंग लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हों बंदूक दिखाई जाती है, उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, गाँव में से भगा दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में साफ नंबर वन है भ्रष्टाचार में, चाहे तो वो माता बहनों की बात हो, चाहे गरीब मजदूर किसान की बात हो।